आपने देखा कि चंद कमजर्फ लोग ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग नुमा आकृति का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये करके वो शिव का अपमान कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि ये आप शिव का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि खुद अपनी नीचता का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिव का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अविनाशी और अनंत है उसका अपमान भला कोई कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने मन के आईने में जमी कई जन्मों की गंदगी को साफ करेंगे, आपको शिवलिंग का थोड़ा थोड़ा मर्म समझ में आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि शिव और शिवलिंग के पूरे मर्म को समझने के लिए तो शिव ही होना पड़ता है। आप ये जान लीजिए, शिवलिंग का जो अर्थ आपके गंदे दिमाग में व्याप्त है वो दरअसल वो नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, और इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। अब इसे शिव का प्रतीक क्यों कहा जाता है यह भी आपको बता देता हूं। शिव अनादि है। अनादि का मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई, और विज्ञान के नियम के अनुसार जिस चीज की शुरुआत नहीं होती उसका अंत भी नहीं हो सकता, इसलिए शिव अनंत भी है। अब आप यह भी जान लीजिए कि शिवलिंग का रहस्य क्या है। पुराणों के अनुसार शिव जब समाधि में जाते हैं तो अपनी समस्त चेतना को एक जगह समेट लेते हैं, तब उनका शरीर गोल पिंड के आकार का हो जाता है। इसलिए आज जो आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं वो वही जगह है जहां शिव लंबी समाधि में चले गए थे, और जब शिव समाधि में जाते थे तो नंदी उनके सामने बैठकर समाधि भंग होने का इंतजार करते थे। इसलिए जहां भी आपको शिवलिंग मिलता है वहां नंदी जरूर विराजमान होते हैं। दरअसल इस धरती पर कुल 64 ज्योतिर्लिंग है, 64, लेकिन फिलहाल 12 ही हमारी चेतना में है। इसलिए लिंग का जो अर्थ लगाकर आप शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, दरअसल उसका वो अर्थ है ही नहीं। शिवलिंग में सृष्टि के निर्माण के 5 तत्व निहित हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, यानी कि आकाश, पानी, अग्नि, हवा और धरती। इसका मतलब यह है कि शिवलिंग में सृष्टि के सर्जन की सारी शक्तियां निहित है। आप इसको सिर्फ अपनी धरती से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि शिव जिस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं उसमें हमारी धरती की तरह न जाने कितनी ही धरती है, न जाने कितने ही सूर्य हैं, न जाने कितनी आग है, न जाने कितनी हवा है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी भी। आप अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अनंत शिव को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शिव को समझने के लिए आपको अनंत ब्रह्मांड के विस्तार को समझना पड़ेगा। क्योंकि शिव के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, चिदाकाश माकाश वासंग भजे हम। इसका अर्थ यह हुआ कि अनंत आकाश में जो चेतना के रूप में मौजूद है और जो अपरिमित, यानी कि जिसकी पैमाइश ना हो सके, उस आकाश के चारों ओर छाया हुआ है, यानी आकाश के बाहर भी और आकाश के अंदर भी। अब आप ऐसे अनादि, अखंड, अनंत, अज्ञेय शिव के शिवलिंग का अर्थ जाने बिना जो लिख रहे हैं वो शिव का अपमान नहीं, बल्कि आपकी गंदी मानसिकता का प्रदर्शन है। शिवलिंग के विराट स्वरूप को समझना आपके वश की बात नहीं है। आपने ये तो देख लिया कि शिवलिंग के बारे में जो फूहड़ कमेंट लिख रहे हैं वो कैसे जान सकते हैं शिव को, जान ही नहीं सकते, और उन पर मुझे गुस्सा भी नहीं आता बल्कि तरस आता है, तरस। ऐसी मानसिकता वाले, क्योंकि ये जो मानसिकता ऐसी रखते हैं ना, ये मानसिकता वाले लोग कभी भी बहुत प्रसन्न नहीं हो सकते। जो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम को जान नहीं पाएगा वो भीतर से प्रसन्न कैसे हो सकता है, और जो भीतर से खुश नहीं रहता वही शिवलिंग का घटिया अर्थ निकालता है। नीचता और खुशी एक साथ नहीं रह सकती।
अब मैं आपको भगवान शिव के बारे में एक अद्भुत बात बताता हूं। शिव पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तमाम विपरीत हालातों में कैसे खुश रहा जाता है वो अगर सीखना है तो शिव से सीखिए। कैसे, ये आपको समझाता हूं। क्या आपने शिव दरबार को गहराई से, शिव दरबार को गहराई से कभी देखने या समझने की कोशिश की है, कभी देखा है कि शिव दरबार में एक साथ कितनी विरोधाभासी चीजें इकट्ठी हैं? गौर कीजिएगा, क्योंकि शिव की जटा से गंगा जी निकलती हैं। गंगा जी मतलब पानी, और जटा के ठीक नीचे शिव का तीसरा नेत्र है जहां से निकलती है आग। मतलब शिव दरबार में आग और पानी एक साथ। अब देखिए शिव के भाल यानी कि ललाट पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं। सुधाकर मतलब अमृत देने वाला। भाल पर अमृत और गले में विषधर सर्प, मतलब शिव दरबार में अमृत और विष एक साथ। गले में सर्प है और नीचे गणेश जी की सवारी चूहा, मतलब सांप और चूहा एक साथ। गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिकेय जी की सवारी मोर, इसका मतलब मोर और सांप एक साथ। अब आगे देखिए, खुद शिव जी की सवारी बैल और मां पार्वती की सवारी सिंह यानी कि शेर। मतलब शिव दरबार में बैल और शेर भी एक साथ। अब आप कल्पना कीजिए कि कुदरत के इतने विरोधाभासी शक्तियों को शिवजी साध कर रखते हैं, मतलब उनके प्रभाव में परस्पर विरोधी भी प्रेम भाव से रहते हैं। सांप चूहे को नहीं मारता, मोर सांप को नहीं खाता, शेर बैल को नहीं खाता, आग पानी का अस्तित्व नहीं मिटाता और पानी आग का वजूद नहीं मिटाता। विष और अमृत एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। यही शिव है और यही शिवत्व है। तो जो लोग शिवलिंग का अर्थ निकालते हुए अपने मन के विकारों का पर काबू नहीं रख पाते, मैं कहता हूं और कहना चाहता हूं उन कमजर्फ लोगों से, दिमाग की गंदगी थोड़ा साफ कीजिए। शिवलिंग के अर्थ की थोड़ी भी चेतना आपके मन में आ जाएगी या फिर जागेगी तो आपको चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। ये है शिव। आपको यह भी जान लेना चाहिए, क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि इतने विपरीत माहौल में भी शिव जी सदा कैसे खुश रहते हैं, शिव कैसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों इतना प्रसन्न रहते हैं? यह उन लोगों के लिए भी जानना जरूरी है जो शिवलिंग को लेकर अपनी अज्ञानता, बल्कि मैं तो कहूंगा अपनी कुत्सित मानसिकता का भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके दिमाग में अनंत चेतना का अखंड पिंड यानी कि शिवलिंग को लेकर जाने कैसी कैसी गंदी छवि बनी हुई है। उन्हें मैं ये बता दूं कि शिवजी को मनोज नशावन भी कहा जाता है। मनोज कहते हैं कामदेव को, और कामदेव को शिवजी ने अपनी तीसरी नेत्र से भस्म कर दिया था। इसका मतलब यह है कि शिवजी के अंदर किसी तरह का विकार नहीं है और शिव की साधना करने वाले भी वही स्वरूप हासिल करना चाहते हैं, और विकार नहीं है इसलिए शिवजी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ये शिव हैं। ये सनातन दरअसल सम्मान सिखाता है, सम्मान करता है, लेकिन जो शिव को समझता है, शिव को जानता है, वो जानता है आदि से अनंत तक बस वही है और शिव ही सत्य है। और शिवलिंग को लेकर जो मन में ये पाप आया, कम से कम उनको और करीब से थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि घृणा के सहारे आप शिवलिंग का उपहास कर सकते हैं लेकिन आपने अभी तक शिव को समझा नहीं है। लेकिन अभी और भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको जानना जरूरी है, शिव के और करीब पहुंचना जरूरी है, क्योंकि शिव ही राष्ट्रवाद है। छोटा सा ब्रेक।